मदुराई सम्मेलन में मैं पहली बार आया हूँ। वचन पर ध्यान करने से पहले मैं संक्षेप में आपको अपनी गवाही बताऊंगा। I was born and brought up in a poor, nominal Christian family. एक गरीब नामधारी मसीही परिवार में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ। I could not get much education. मैं अधिक पढ़ाई नहीं कर पाया। Right from the beginning, as a child, I was a sickly boy. आरंभ से ही बचपन से ही मैं बहुत बीमार रहता था। I used to fall down with a sort of epileptic fits. मिर्गी के दौरे आने से मैं बार बार गिर जाया करता था। There were some other sicknesses also I had. मुझे और भी कई बीमारियां थीं। Perhaps because of my fits falling down often, my brain might have been damaged. मिर्गी के दौरों के कारण बार बार गिरने के कारण शायद मेरा दिमाग नष्ट हो गया होगा। When I was admitted in the school first year itself, I failed. जब मुझे स्कूल में भर्ती कराया गया पहले ही साल में मैं फेल हो गया। Again fourth grade, again I failed. फिर चौथी क्लास में मैं फेल हो गया। So my parents or myself did not have any hope of any educational qualifications for me. इसलिए मुझे या मेरे माँ बाप को कोई आशा नहीं थी कि मैं पढ़ाई में कुछ योग्यता प्राप्त कर पाऊंगा। And in the school also I was very miserable and unhappy. स्कूल में भी मैं बहुत अभागी अवस्था में था और खुश नहीं रहता था। From childhood itself I developed a very bad habit, kleptomania, stealing things. बचपन से ही मुझे चीजों को चुराने की बहुत बुरी आदत थी जिसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। In the school I started stealing pencils and notebooks and textbooks etc. स्कूल में मैं पेंसिल नोटबुक टेक्स्ट बुक चुराने लग गया। Even if I don't want that, I will rather steal and throw away. जरूरत नहीं होने से भी मैं चुरा के फेंक दिया करता था। One day I had stolen a history book from another boy and I was caught. एक दिन मैंने दूसरे लड़के की हिस्ट्री बुक को चुरा लिया और मैं पकड़ा गया। I was so ashamed. मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। Not because I had stolen, because I was caught. इसलिए नहीं कि मैंने चोरी की परंतु इसलिए कि मैं पकड़ा गया। So the whole village came to know Thomas is a thief. पूरे गांव को पता चल गया कि थॉमस चोर है। I was so ashamed. मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। So then I decided I will find a perfect solution. मैंने फैसला किया इसके लिए मैं एक संपूर्ण हल को ढूंढूंगा। So I thought I will take some poison and commit suicide. मैंने सोचा मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूंगा। So I was going to buy poison. मैं जहर खरीदने के लिए जाने वाला था। Suddenly I had a voice from somewhere, heaven or hell. अचानक से मैंने एक आवाज सुनी मालूम नहीं स्वर्ग से या नरक से। That time I did not definitely believe there was a heaven or hell. उस समय मुझे पक्की रीति से स्वर्ग या नरक पर विश्वास नहीं था। Even I was not very happy with God. I thought, why God allows all these problems for me? At all, there is a God alive. मैं परमेश्वर से भी खुश नहीं था। मैं सोचने लगा यदि कोई परमेश्वर जीवित है तो वह मेरे जीवन में क्यों इतनी परेशानी दे रहा है। When I heard heaven or hell, I realized if there was a hell, if I had committed suicide, I could end up there. जब मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में सुना मैं सोचने लगा यदि मैंने आत्महत्या की होती तो मुझे नरक में जाना पड़ता। So that refrained me from committing suicide. इस कारण मैं आत्महत्या करने से रुका रहा। God had mercy on me. परमेश्वर ने मुझ पर दया की। I had a vision of the Lord Jesus. मुझे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला। I saw Jesus with the tears. मैंने यीशु को आंसू बहाते हुए देखा। His face was so glorious. उनका चेहरा महिमा से भरा हुआ था। But he was very sad. परंतु बहुत दुखी था। Jesus told me. यीशु ने मुझसे कहा। I am crying not because of the piercing of the thorns. The crown of thorns on my head. मेरे सिर पर कांटों का मुकुट चुभने के कारण मैं नहीं रो रहा। I am crying because of your sins. परंतु तुम्हारे पापों के कारण रो रहा हूँ। Till that time I did not think I was a terrible sinner. उस समय तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक भयंकर पापी हूँ। When I saw Jesus.
परंतु जब मैंने यीशु को देखा इमीडिएटली द कन्विक्शन ऑफ सिन केम अपॉन, तुरंत पापों का बोध मुझ में आ गया। आई रियलाइज ऑल माई सिन, मुझे मेरे पाप महसूस होने लगे। एंड आई स्टार्टेड सोबिंग लाइक अ लिटिल बेबी एंड क्राइंग टू जीसस, और एक छोटे बालक के समान सुस्तियां भरते हुए यीशु के सामने रोने लगा। एंड आई सो द वॉर्म ब्लड ऑफ जीसस केम एंड वॉश माई सिन, और मैंने यीशु के गर्म लहू को अपने ऊपर आते और मेरे पापों को धोते देखा। सो मच ऑफ डार्कनेस इन माई लाइफ दैट डे लेफ्ट मी, उस दिन मेरे जीवन से बहुत सारा अंधकार दूर हो गया। आई फेल्ट लाइक ए हिमालयन माउंटेन दैट वॉज वेइंग मी डाउन सडनली लिफ्टेड आउट ऑफ मी, मैंने महसूस किया हिमालय पर्वत जो मुझे दबा रहा था मुझे छोड़कर चला गया। एंड आई फेल्ट सच अ जॉय इन माई हार्ट, और मुझे अपने हृदय में बड़ा आनंद महसूस हुआ। जीसस वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, फिर भी यीशु मेरे सामने खड़े थे। आई डोंट नो वेदर आई सो हिम विद क्लोज्ड आईज और ओपन आईज, मुझे नहीं मालूम मैंने उन्हें खुली आंखों से या बंद आंखों से देखा। बट इट वॉज सो रियल, परंतु वो बहुत वास्तविक था। एंड आई गॉट अप एंड आई वांटेड टू एम्ब्रेस एंड किस जीसस, मैं उठ गया और मैं यीशु को आलिंगन करके चुंबन देना चाहता था। दिस वॉज ओनली इवनिंग 7:30, इट वॉज नॉट ए ड्रीम ऑफ स्लीपिंग, आई वॉज इन ए रूम सिटी, ये शाम के 7:30 का समय था, कोई स्वप्न या दर्शन नहीं था, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। एंड एज आई वांटेड टू एम्ब्रेस एंड किस जीसस आई फेल्ट आई वॉज लिफ्टेड अप फ्रॉम द एयर, मैं यीशु को आलिंगन करके चुंबन देना चाहता था, मैंने महसूस किया कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठ रहा हूँ। ए हेवनली पावर केम अपॉन मी, एक स्वर्गीय सामर्थ मुझ पर आई। लेटर ऑन ओनली आई रियलाइज्ड आई रिसीव्ड द होली स्पिरिट, बाद में ही मैंने महसूस किया कि मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। एट टाइम आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस पेंटिकॉस्टल पीपल, उस समय मुझे पेंटिकॉस्टल लोगों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। आई हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट द बाइबल, मुझे बाइबल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बट दैट डे व्हेन जीसस केम इनटू माय लाइफ, परंतु उस दिन जब यीशु मेरे जीवन में आए, माय होल लाइफ वाज चेंज्ड, मेरा पूरा जीवन बदल गया। टिल दैट टाइम आई थॉट जीसस लाइक एनी अदर रिलीजियस लीडर्स और ग्रेट मैन लाइक महात्मा गांधी एंड ऑल, ही मे बी ए गुड मैन ए ग्रेट लीडर ए रिलीजियस लीडर, दैट्स ऑल आई थॉट अबाउट। उस समय तक मैं यीशु मसीह को दूसरे धर्मों के समान एक महान गुरु या एक अच्छा व्यक्ति, महात्मा गांधी के समान एक अच्छा व्यक्ति या दूसरे धार्मिक गुरुओं के समान मैं गिना करता था। When Jesus came into my heart, जब यीशु मेरे हृदय में आए, such a heavenly joy flooded my heart, एक बड़ा स्वर्गीय आनंद मेरे हृदय में भर गया। I started rejoicing, मैं आनंदित होने लगा। And that night I made a decision, और उस रात मैंने एक फैसला किया। Lord, I want to serve you, प्रभु जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आई डिडंट नो वेयर टू सर्व गॉड, परंतु प्रभु की सेवा कहाँ करनी है मुझे मालूम नहीं था। आई डिडंट नो हाउ टू सर्व गॉड, मुझे मालूम नहीं था कैसे प्रभु की सेवा करनी है। बट द लव ऑफ गॉड फ्लडेड माई हार्ट टू सच एन एक्सटेंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, परंतु प्रभु का प्रेम बाढ़ के समान मेरे हृदय में भर गया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आई टेल यू बिलीवर वंस वंस यू सी जीसस योर लाइफ विल बी चेंज, परंतु प्रियजनों मैं आपको बताता हूँ एक बार यदि आप यीशु के चेहरे को देख लेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आई सो जीसस एंड जीसस चेंज्ड माय लाइफ, मैंने यीशु को देखा और यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। दैट वाज इन 1959 नवंबर 14, ये 1959 नवंबर 14 की बात है। व्हेन जीसस अपीयर्ड टू मी इज हियर, जो यीशु मुझ पे प्रकट हुआ वो यीशु यहाँ पे भी मौजूद है। व्हेन जीसस फॉरगिव माय सिंस इज हियर, वही यीशु जिसने मेरे पापों को क्षमा किया यहाँ पे भी उपस्थित है। एंड दैट डे आई मेड ए डिसीजन, और उस दिन मैंने फैसला किया। लॉर्ड ऑल दिस टाइम आई लिव्ड अ सिनर, प्रभु जी इतने दिनों तक मैंने पापी होकर जीवन बिताया। देयर आर सो मेनी पीपल विदाउट नोइंग यू इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते। एडमिट बी अ हम्बल सर्वेंट टू यू, प्रभु जी आपका नम्र दास बनने के लिए मेरी सहायता करें। इफ आई मैरी आई हैव टू लुक आफ्टर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो मच ऑफ टाइम विल बी गॉन फॉर दैट, प्रभु जी मैं विवाह करने से अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल मुझे करनी पड़ेगी और कितना समय नष्ट हो जाएगा। लॉर्ड आई वांट टू स्पेंड ऑल माय लाइफ टाइम फॉर यू, प्रभु जी मैं अपना पूरा जीवन काल
आपके लिए बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड इन योर हम्बल सर्विस। दीनता से आपकी सेवा करते हुए बिताना चाहता हूँ। आई विल टेल यू दैट वाज द मोस्ट ब्लेस्ड वंडरफुल नाइट इन माय होल लाइफ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पूरे जीवन काल में वो सबसे ज्यादा आशीषमय और अच्छी रात होके रही। एंड जीसस नॉट ओनली सेव्ड मी फ्रॉम ऑल माय सिन। और यीशु ने ना केवल मेरे सारे पापों से मेरा उद्धार किया, ही हील्ड ऑल माय डिजीजेस। उसने मेरी सारी बीमारियों से भी मुझे चंगा किया। माई एपिलेप्टिक्स फिट्स वर गॉन फॉरएवर। सदा के लिए मेरे मिर्गी के दौरे दूर हो गए। एंड देयर वर सो मेनी अदर सिकनेसेस। और भी कई बीमारियां थी। जीसस वन बाय वन हील्ड ऑल माय डिजीजेस। यीशु ने एक एक करके सारी बीमारियों से मुझे चंगा किया। यू हैड आस्थमा, आई कुडंट इवन कैरी ए बाइबल। मुझे दमे की बीमारी थी, मैं बाइबल भी उठा नहीं पाता था। जीसस कम्प्लीटली हील्ड। यीशु ने मुझे संपूर्ण रूप से चंगा कर दिया। डायबिटीज वॉज अ फैमिली डिजीज फॉर अस। मधुमेह हमारी पारिवारिक बीमारी थी। फादर हैड इट, माय मदर हैड इट, माय ब्रदर वाज बोर्न विद इट। मेरे पिताजी को थी, मेरी माँ को थी, और जन्म से ही मेरे भाई को भी ये बीमारी थी। थैंक गॉड जीसस कम्प्लीटली हील्ड विदाउट एनी मेडिकेशन। प्रभु का धन्यवाद हो, बिना किसी दवाई के यीशु मसीह ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। नॉट ओनली दैट, टिल दैट टाइम आई वाज वन ऑफ द डलेस्ट स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ना केवल इतना, उस समय तक मैं स्कूल में सबसे मंद बुद्धि विद्यार्थी था। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट ईयर एंड द फोर्थ ईयर ऑल आई फेल्ड इन द। मैंने आपको बताया, पहली क्लास में, चौथी कक्षा में मैं स्कूल में फेल हो गया था। व्हेन जीसस केम इनटू माय लाइफ। परंतु जब यीशु मेरे जीवन में आए, न्यू हार्ट, आई फेल्ट ए न्यू ब्रेन। ना केवल मुझे नया हृदय दिया, परंतु मुझे नया दिमाग भी मिला। आफ्टर वेटिंग सम ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशंस आई केम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। उसके बाद कई पब्लिक परीक्षाओं में मैं बहुत ही अच्छे अंकों में पास हुआ। आई रिकमेंड यू डियर वंस टुडे जीसस। प्रियजनों, आज आपके सामने मैं यीशु को रखता हूँ। आई वॉज गोइंग टू कमिट सुसाइड बिकॉज आई डिडंट हैव एनी पीस ऑफ माइंड। मन में शांति ना होने के कारण मैं आत्महत्या करने वाला था। जीसस चेंज माई लाइफ। परंतु यीशु ने मेरे जीवन को बचा लिया। देयर मे बी पीपल हियर आल्सो यू वांट टू कमिट सुसाइड, यू हैव नो हैप्पीनेस इन लाइफ। आई रिकमेंड क्राइस्ट कैन चेंज यू एंड गिव यू पीस एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे भी कई ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन में आत्महत्या करने वाले होंगे। आपके जीवन में कोई भी खुशी नहीं होगी, परंतु आज मैं आपके सामने यीशु को प्रस्तुत करता हूँ जो आपको बदल सकता है और आपके जीवन को आनंद से भर सकता है। आई वॉज द वर्स्ट बॉय इन द होल स्कूल। पूरे स्कूल में मैं सबसे ज्यादा बुरा लड़का था। आई वॉज नॉट ओनली स्टीलिंग, मैं ना केवल चोरी करता था, बट सो मेनी अदर बैड हैबिट्स। मेरे को और भी बहुत सारी बुरी आदतें थी। आई हैड ए टेरिबल प्रॉब्लम ऑफ एंगर। गुस्सा करने की मुझे बहुत बड़ी एक समस्या थी। हाउ मेनी टाइम्स आई हिट बॉयज एंड अदर्स एंड फॉट विद देम द स्कूल एंड एल्सवेयर। कितनी बार स्कूल में, दूसरी जगहों में मैं दूसरे लोगों से लड़ता था और उन्हें मारता था। इफ आई टेल यू द इन द होल स्कूल I was suspended from the school than anybody else in the whole school. स्कूल में दूसरे लोगों से बढ़कर ही बहुत बार मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। So you can understand what type of boy I was. आप समझ सकती हैं मैं किस प्रकार का लड़का था। Jesus changed me. परंतु यीशु ने मुझे बदल दिया। I had such a terrible anger problem. Even somebody told Thomas, we cannot start a conversation with you because halfway through you shout. मुझे गुस्सा करने की बहुत बड़ी समस्या थी और किसी ने मुझसे कहा, थॉमस, हम आपके साथ बात कर ही नहीं सकते क्योंकि आधी बात में ही आप लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। आई रिमेम्बर बाय कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हैड अ फाइट विद द बस कंडक्टर एंड आई शाउटेड, लेट अस टेक द बस टू द पुलिस स्टेशन, देयर वी विल मेक द डिसीजन। मुझे याद है एक बार स्कूल से वापस आने के समय बस के कंडक्टर से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। इन वेरी लिटिल थिंग्स आई विल शाउट एंड फाइट। छोटी छोटी बातों में मैं चिल्लाने लगता था, लड़ाई करने लगता था। बट बिलोवड वंस लेट मी टेल यू,
Jesus came into my life. परंतु प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मेरे जीवन में आए. One day I felt some darkness gone out of me. एक दिन मैंने महसूस किया मेरे जीवन से कुछ अंधकार निकल गया. My anger was gone forever. Praise be to God. सदा के लिए मेरा गुस्सा मुझसे चला गया. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Now raising the Bible, I tell you, even if I want to get angry, I cannot. अभी बाइबल को उठाते हुए मैं आपसे कहता हूँ, यदि मैं गुस्सा करना चाहूँ भी तो नहीं कर पाता. I did not change myself. मैंने अपने आप को नहीं बदला. It is Jesus who changed me. ये यीशु ही है जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया. Maybe there may be some people with angry problem here. यहाँ पे भी कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो गुस्से की समस्या के साथ आए होंगे. Perhaps you may have such a terrible anger like I had. जैसे मुझे क्रोध करने की भयंकर समस्या थी, वैसे ही शायद आपको ऐसी समस्या होगी. I remember when I was a small boy. मुझे याद है जब मैं छोटा लड़का था. Something naughty I had done, my mother gave a smack. मैंने कुछ शरारत की और मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा. And she was cooking food. वो किचन में खाना बना रही थी. I got very angry with her. मुझे उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया. With my little hands, although I could not hold the whole food, I dragged the whole food and threw it into the mud in the compound and ran off. अपने छोटे हाथों से मैंने खाना उठा के, चाहे सारा खाना नहीं उठा सका, खाना उठाकर मैंने बाहर आंगन में फेंक दिया और बाहर भाग गया. Oh, I was a problem to my parents. मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा समस्या का कारण था. I was a problem to the teachers in the school. स्कूल में टीचर्स के लिए भी मैं बहुत बड़ी समस्या था. प्रॉब्लम इन द विलेज. गांव में भी मैं समस्या का कारण था. आई थैंक जीसस, इट इज जीसस हु चेंज्ड मी. मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, ये यीशु ही है जिन्होंने मुझे बदल दिया. रिकमेंड यू डियर वंस, व्हाटएवर मे बी योर प्रॉब्लम टुनाइट, जीसस कैन हु चेंज मी कैन चेंज यू. प्रियजनों, आज रात मैं आपके सामने यीशु को प्रस्तुत करता हूँ. जिस यीशु ने मुझे बदला, वो आपको भी बदल सकता है. यू मे नॉट बी ए थीफ लाइक आई वाज. मेरे समान तो शायद आप चोर नहीं होंगे. यू मे हैव सम अदर प्रॉब्लम. परंतु आपकी कुछ और समस्या होगी. बट जीसस कैन चेंज यू. आज रात यीशु आपको बदल सकती हैं. गिव अ चांस फॉर जीसस. यीशु को एक मौका दें. ग्रेटेस्ट थिंग दैट इन माय लाइफ दैट आई वुड से दैट एवर सिंस आई गॉट सेव्ड वाज द डिसाइड टू सर्व द लॉर्ड. जब से मैंने उद्धार पाया, मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता था. टेल यू द बेस्ट इन लाइफ इज सर्विंग द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. मैं आपको बताता हूँ, जीवन में सर्वश्रेष्ठ यही है कि हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की सेवा करें. आई डोंट डिसर्व टू सर्व दिस ग्रेट गॉड. इस महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए मैं योग्य नहीं. आई हार्डली हैड एनी ब्रेन. मुझमें दिमाग तो था ही नहीं. आई एम फ्रॉम ए पुअर फैमिली. मैं एक गरीब परिवार से हूँ. नॉट ग्रेट एजुकेशन. मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था. एंगर एंड थेफ्ट एंड सो मेनी प्रॉब्लम. गुस्सा करना, चोरी करना, मुझे ऐसी कितनी समस्याएं थी. जीसस हू चेंज्ड मी कैन चेंज यू. परंतु जिस यीशु ने मुझे बदला, वो आपको भी बदल सकता है. He can make you a servant of the King of Kings and the Lord of Lords. वो आपको राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का सेवक बना सकता है. Tonight give a chance for Jesus. आज रात यीशु को एक मौका दें. He will forgive you. वो आपको क्षमा करेगा. He will heal you. वो आपको चंगा करेगा. He will change you. वो आपको बदल देगा. You are an angry man. God will make you a man with a gentle, meek nature. आप क्रोध करने वाले व्यक्ति होंगे, परंतु वो आपको शालीन, एक शांत व्यक्ति होकर बदल देगा. Life is wonderful, oh so wonderful. Life is wonderful. Now Jesus, He's so lovely.
Jesus is alive. यीशु जीवित हैं. As you hear the word of God. जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे. I tell you the word of God can change you tonight. मैं आपको बताता हूँ, आज रात प्रभु का वचन आपको बदल सकता है. If I would like to share how eternal happiness and peace can rule and reign in your life on earth and eternity. संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि नित्य शांति और विश्राम पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी आपके जीवन में कैसे राज्य कर सकता है. Forgiveness is the sweet word that is connecting with heaven. क्षमा एक मीठा शब्द है जो स्वर्ग से संबंधित है. There are five areas of forgiveness. क्षमा के पांच पहलू हैं. Demons, listen carefully. प्रियजनों ध्यान से सुने. Surely heaven can come into your life. निश्चय स्वर्ग आपके हृदय में आ जाएगा. Sins can be forgiven. आपके पाप क्षमा हो सकते हैं. Your sickness can be healed. आपकी बीमारी से आप चंगाई पा सकते हैं. And not only that. और ना केवल इतना. The character of Christ can come into our life. मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आ सकता है. When I look back about past, I feel sorry. पीछे मुड़कर देखने से मुझे दुख लगता है. How stubborn, proud, arrogant nature I had. मुझे कितना हठीला घमंडी स्वभाव था. Now I don't claim that I'm completely changed. अभी मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं पूर्ण रूप से बदल गया. A long way to go. लंबा रास्ता अभी भी बाकी है. But whatever little change happened in my life, I thank God. परंतु जो थोड़ा बहुत बदलाव मेरे जीवन में आया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. There are five areas forgiveness we should have. क्षमा के पांच पहलू हमारे जीवन में होना चाहिए. First, receive forgiveness from God. पहला है परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करें. Second, ask forgiveness from others. दूसरा है दूसरे लोगों से क्षमा मांगें. Third, forgive yourself. तीसरा है अपने आप को क्षमा करें. Fourth, forgive God. चौथा है परमेश्वर को क्षमा करें. You may have a doubt about that point, I understand. मैं समझ सकता हूँ कि इस विषय के बारे में आपको शक होगा. Forgive God, what to forgive God? What has God done? परमेश्वर को क्षमा करना, क्या क्षमा करना, क्या परमेश्वर ने कोई पाप किया? Just wait patiently for few minutes. थोड़े लम्हों के लिए धीरज से प्रतीक्षा करें. We will hear about. उसके बारे में हम सुनेंगे. And the fifth, forgiving others. और पांचवा है दूसरों को क्षमा करना. फर्स्ट एक्सपीरियंस रिसीव फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड. पहला अनुभव है परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करें. द फाइव स्टेप्स फॉर अ हेवनली लाइफ. स्वर्गीय जीवन के लिए पांच कदम हैं. यू विल हैव लास्टिंग पीस इन योर लाइफ. आपके जीवन में अनंत शांति आ जाएगी. आई हैव 40 इयर्स ऑफ पीस. 40 वर्ष से मुझे शांति है. आई विश आई हैड नोन जीसस बिफोर दैट. मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे पहले से ही यीशु को जानना चाहिए था. आई टेल यू मनी विल नॉट गिव यू लास्टिंग हैप्पीनेस. मैं आपको बताता हूँ पैसा आपको अनंत खुशी नहीं देगा. फ्रेंड्स हेल्थ एंड वेल्थ विल नॉट गिव यू लास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस. मित्र स्वास्थ्य तंदुरुस्ती आपको अनंत शांति और खुशी नहीं देंगे. डियर फ्रेंड्स गॉड हू क्रिएटेड यू कैन गिव यू लास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस. प्रिय मित्र परमेश्वर जिसने आपकी सृष्टि की है वही आपको अनंत शांति और आनंद दे सकता है. यू मे हैव अ बिग मैंशन. यू मे हैव अ बिग हाउस. आपके पास एक बड़ा महल के समान घर होगा. सो मच ऑफ मनी इन द बैंक. बैंक में बहुत सारा धन रुपए होगा. यू मे हैव द बेस्ट जॉब इन द सिटी. शहर में आपके पास सबसे अच्छी नौकरी होगी. बट इफ योर सिंस आर नॉट फॉरगिवन. परंतु यदि आपके पाप क्षमा नहीं हुए तो यू विल हैव फियर ऑफ डेथ. आपके अंदर मृत्यु का भय होगा. यू विल हैव फियर ऑफ फ्यूचर. आपको भविष्य के बारे में डर होगा. यू विल हैव फियर ऑफ सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड. संसार में बहुत सारी बातों के बारे में आपको भय होगा. यू हैव द टेस्टिमनी ऑफ दैट बिलीवर ब्रदर हु वाज अ डीएसपी. वो प्रिय डीएसपी भाई की आपने गवाही सुनी होगी. ही हैड सच अ सीवियर हार्ट अटैक एज़ इफ ही वाज पासिंग अवे. उसे इतना बड़ा हृदय घात हुआ जैसे कि वो मर रहा हो. Actually, that is the time people want to rush to hospital. मैं आपको बताता हूँ ऐसे समय में लोग अस्पताल को भाग कर जाते हैं. He knew there is a God who is greater than any doctor, any medicine, any hospital. परंतु एक परमेश्वर है जो सारे वैद्यों से
सारी दवाइयों से बढ़कर है। वी थैंक गॉड फॉर द हॉस्पिटल्स एंड नर्सेस एंड डॉक्टर्स, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं। वी हैव अ ग्रेट गॉड हु इज ग्रेटर देन एनी डॉक्टर इन द वर्ल्ड। हमारा एक महान परमेश्वर है जो संसार के सारे डॉक्टरों से महान है। ऑल द लास्ट 40 इयर्स जीसस हैज बीन माय डिवाइन फिजिशियन। पिछले 40 वर्षों से यीशु ही मेरा दिव्य वैद्य होके रहा। माई फाइल्स, माई आस्मा, माई डायबिटीज, माई एपिलेप्टिक पिच, एवरीथिंग जीसस हील्ड। मेरे फाइल्स, मेरे डायबिटीज, मेरी आस्मा, मेरी सारी बीमारियों से यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। आई रिकमेंड दैट डिवाइन फिजिशियन टू यू टुडे फॉर एनी ऑफ योर सिकनेस। आज की आपकी किसी भी बीमारी के लिए मैं उस दिव्य डॉक्टर को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। Oh, taste and see that the Lord is good. चक्कर देखो कि यहोवा भला है। Ever since I trusted the Lord never failed me. जब से मैंने प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु ने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। Oh, we have a wonderful God. हमारा एक अद्भुत परमेश्वर है। So the first step is receiving forgiveness from God. पहला कदम है परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करना। Dear friends, do you know what is the greatest suffering for a human being on earth? प्रिय मित्र, क्या आप जानते हैं मनुष्य के लिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है? Suffering with poverty is not the greatest torment of mind. गरीबी के कारण कष्ट उठाना वो सबसे बड़ी पीड़ा नहीं है। Sickness is not the greatest suffering. बीमारी सबसे बड़ी पीड़ा नहीं है। And people may die, your beloved ones might have died and gone, that is not the greatest suffering. आपके प्रिय जन मर कर चले गए होंगे, वो सबसे बड़ा दुख या कष्ट नहीं है। Dear friends, do you know what is the greatest suffering for a human being on earth? प्रिय जनों, क्या आप जानते हैं मनुष्य के लिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है? Listen, the greatest suffering for a human being is suffering with the guilt of sin. मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कष्ट है पाप के बोझ से दुखी होना। आई रिमेम्बर रीडिंग ए स्टोरी अबाउट अ मैन इन इंग्लैंड हु किल्ड अ पर्सन। मुझे याद है मैंने एक व्यक्ति के बारे में कहानी पढ़ी थी इंग्लैंड में, जिसने एक व्यक्ति को मार डाला था। पुलिस कुडंट ट्रेस हिम आउट। पुलिस उसका पता ना लगा सकी। एस्केप फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑल द पुलिस। वो पुलिस वालों के हाथों से बच निकला। एंड पुलिस कुड नॉट गेट एनी क्लू अबाउट द मर्डर। पुलिस को उस हत्या के बारे में कोई भी सूत्र नहीं मिला। आफ्टर अबाउट, यू कैन इमेजिन, आफ्टर अबाउट 13 इयर्स ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। लगभग 13 वर्ष के बाद वो पुलिस स्टेशन में गया। सरेंडर टू द पुलिस। पुलिस को जाके समर्पण कर दिया। एंड पुलिस वाज सरप्राइज्ड, व्हाट वाज द रीजन। पुलिस आश्चर्यचकित हो गई कि इसका कारण क्या है। डू यू नो व्हाट वाज द रीजन? क्या आप जानते हैं उसका कारण क्या था? Ever since he committed that murder, he could not sleep day or night. जब से उसने हत्या की, रात और दिन वो सो नहीं पाता था। His guilty conscience was tormenting him. उसका दोषी विवेक उसको तंग कर रहा था। He felt better to surrender to the police than to be tormented day and night like that. 13 years he suffered. उसने सोचा रात और दिन कष्ट उठाने से अच्छा है कि पुलिस को जाकर समर्पण कर दे। 13 लंबे वर्ष वो कष्ट उठाता रहा। Perhaps you may not be a murderer. शायद आप एक हत्यारे तो नहीं होंगे। You may not be an adulterer. आप एक व्यभिचारी भी नहीं होंगे। There may be so many other. A man born to this earth is a sinner. इस पृथ्वी पर जन्म लिया मनुष्य पापी है। So everybody in this world is a sinner. इस संसार में हर एक मनुष्य पापी है। A sinner needs a savior. एक पापी को उद्धार करता चाहिए। इट मे अपीयर दैट योर सिंस आर स्मॉल। आपके पाप आपको छोटे प्रतीत होते होंगे। ओ गॉड, दे आर नॉट डिफरेंट। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं है। व्हाई यू वांट टू सफर विद द टॉर्मेंट ऑफ योर सिन। अपने पाप की पीड़ा से आप क्यों पीड़ित होना चाहते हैं? इफ यू कन्फेस योर सिंस टू जीसस, ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव योर सिंस एंड टू क्लींस यू फ्रॉम ऑल अनराइटेसनेस। यदि यीशु के सामने आप अपने पापों को मान लेंगे तो वह आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। आई स्टिल रिमेम्बर द इवनिंग दैट जीसस केम इनटू माय लाइफ। जिस शाम यीशु मेरे जीवन में आए
वो शाम आज भी मुझे स्मरण है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ आउटसाइड इन द कंपाउंड। अगली सुबह आंगन में मैं अपने दांत ब्रश कर रहा था। सो द नेबर टोल्ड थॉमस व्हाइल यू आर ब्रशिंग द टीथ व्हाई आर यू स्माइलिंग। मेरे पड़ोसी ने कहा, थॉमस आप ब्रश करते हुए क्यों मुस्कुरा रहे हैं। द लास्ट नाइट एक्सपीरियंस वॉज रियली मेकिंग मी टू स्माइल व्हाइल ब्रशिंग द टीथ ऑल्सो। पिछली रात का अनुभव ब्रश करते हुए भी मुझे मुस्कुराने के लिए विवश कर रहा है। जो कोई भी पाप आपने किया हो, कम टू जीसस। आज आप यीशु के पास आ जाएं। लास्ट नाइट यू हेड द वर्ड ऑफ गॉड। पिछली रात आपने परमेश्वर के वचन को सुना। लॉर्ड आई एम अ पुअर सिनर फॉरगिव मी। प्रभु जी मैं एक दरिद्र पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दें। टुनाइट यू विल फाइंड योर हार्ट विल बिकम प्योरर देन गोल्ड व्हाइटर देन स्नो। आज रात आप पाएंगे आपका हृदय सोने से भी अधिक चोखा और हिम से भी अधिक श्वेत हो जाएगा। जो भी पाप आपने किए हो सब यीशु को बता दें। नॉट ओनली ही विल फॉरगिव यू, ना केवल वो आपको क्षमा करेगा। ही विल गिव यू द स्ट्रेंथ नॉट टू डू दैट अगेन, परंतु वो आपको बल भी देगा कि आप फिर से उस पाप को ना करें। ओ आई थैंक गॉड सिंस दैट आई कमिटेड द लॉर्ड गिव सच अ ग्रेस Not to do them again. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया कि जो पाप मैंने पहले किए थे मैं उन्हें फिर कभी ना करूँ। That is the first step. वो पहला कदम है। Tonight, if you are not done that, do it tonight. यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो आज रात आप ये करें। Maybe even the children of God, if you have done any secret sins. परमेश्वर के लोगों, यदि आपने कोई गुप्त पाप भी किया हो तो, यदि आपके जीवन में कोई भी छुपा हुआ पाप है तो, प्रॉब्लम ऑफ एंगर, शायद आपको क्रोध करने की भयंकर समस्या होगी। आई विल से एंगर इज अ मर्डरर स्पिरिट। मैं कहता हूँ क्रोध करना हत्या करने की आत्मा है। यू आस्क मोस्ट ऑफ द पीपल हु कमिटेड मर्डर बिफोर कमिटिंग मर्डर दे गेट एंग्री। जिन लोगों ने हत्या की उन अधिक लोगों से पूछने से वो आपको बताएंगे कि हत्या करने से पहले वो क्रोधित हुए। टुनाइट यू कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ एंग्री। आज रात आप क्रोध की आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं। आई रिमेम्बर वन चाइल्ड ऑफ गॉड वाज टेलिंग मी, पास्टर आई लव माई वाइफ But when I get angry, I want to kill her. मुझे याद है एक परमेश्वर के बच्चे ने मुझे बताया, पास्टर जी मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ परंतु जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। Tonight Jesus can deliver you from that terrible demon of anger. आज रात प्रभु आपको उस क्रोध की बड़ी दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे सकते हैं। Then let me come to the second aspect of the forgiveness. अब हम क्षमा के दूसरे पहलू में आएंगे। If you know that you hurt somebody, You must ask forgiveness from that person. यदि आपको याद आता है कि आपने किसी को दुख पहुंचाया तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। Even if you are not purposely done, if somebody is hurt by your attitude, your words, if you know that, you must go and ask forgiveness. शायद आपने जानबूझ के नहीं किया होगा परंतु अनजाने में यदि आपके शब्दों के द्वारा आपके व्यवहार के द्वारा कोई दुखी हुआ तो आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। When you make peace with God, you will make peace with one another. यदि आप परमेश्वर के साथ शांति में आ जाएंगे तो एक दूसरे के साथ भी शांति में रहेंगे। Oh, what a joyful life to live in peace with everyone in the world. संसार में सब किसी के साथ शांति से रहना ये कितना आनंदमय अनुभव है। एंड द थर्ड वन फॉरगिव योरसेल्फ। और तीसरा है अपने आप को क्षमा करना। वंस गॉड फॉरगिव्स योर सिंस, एक बार परमेश्वर आपके पाप क्षमा करने से, टाइम्स द डेविल मे कंटिन्यू टू कंडेम यू, फिर मित्र शैतान आपको लगातार दोषी ठहराएगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट गॉड टू फॉरगिव ऑल दोस थिंग्स, कि आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर वो सारी बातों को क्षमा कर देगा। वंस यू नो गॉड हैज फॉरगिवन यू, एक बार जब आप जान लेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, मस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, तब आप अपने आप को क्षमा कर पाएंगे। समटाइम्स गॉड विल फॉरगिव यू, कई बार प्रभु तो आपको क्षमा कर देंगे, बट यू विल बी कंडेमिंग, व्हाई डिड आई डू दैट, परंतु आप अपने आप पर दोष लगाते रहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ स्मॉल बॉय, मुझे याद है जब मैं छोटा लड़का था। आई लव्ड माय ग्रैंडमदर मोर देन आई लव्ड माय मदर, अपनी माँ से भी ज्यादा मैं अपनी दादी को प्यार करता था। So I really liked my grandma. मुझे अपनी दादी बहुत पसंद थी। One day I think in the kitchen I broke something. मुझे याद है एक दिन मैंने किचन में कुछ तोड़ दिया। Suddenly
My mother saw me breaking that thing. मेरी माँ ने मुझे वो चीज तोड़ते हुए देख लिया था. Or just after I broke something she came. नहीं तो जैसे ही मैंने वो चीज तोड़ी वो आ गई. And she asked me who broke this. उन्होंने मुझसे पूछा ये किसने तोड़ा. Immediately I want to escape the anger of my mother. I told Granny Didi. मैंने अपने माँ के क्रोध से बचने के लिए कह दिया दादी ने तोड़ा है. That same moment Granny was coming that way. उसी लम्हा दादी भी वहाँ आ रही थी. शी हेयर व्हाट आई वाज सेइंग. जो मैं कह रहा था उन्होंने सुन लिया था. शी डिडंट से अ वर्ड. उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा. बट इट रियली ब्रोक माय हार्ट. परंतु इस बात ने मेरे हृदय को तोड़ दिया. हाउ डिड आई लेट डाउन माय ग्रैंडमा. मैंने कैसे अपनी दादी को धोखा दिया. ऑल अलोंग आई फेल्ट सो मिजरेबल एंड कंडेम. पूरा समय मैं अपने आप पर दोष लगाता रहा. अपनी अभाग्य अवस्था में बना रहा. इवन आफ्टर ग्रैंडमा डाइड आई यूज्ड टू क्राई. मेरी दादी मरने के बाद भी मैं रोता रहता था. दैट डे इफ आई रियली लव माय ग्रैंडमा हाउ वुड आई डू दैट. यदि मैं अपनी दादी से सचमुच प्रेम करता हूँ तो उस दिन मैंने वैसा क्यों किया. प्रभु का धन्यवाद हो उधार पाने के बाद मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मुझे क्षमा मिल गई होगी. ये जनो एक बार प्रभु आपको क्षमा करने से जो कोई भी पाप आपने किया हो आप अपने आप को भी क्षमा कर दें. एंड व्हेन वी आस्क फॉरगिवनेस अबाउट योर सपोज यू हैव डन 20 इयर्स अगो सम मिस्टेक. 20 वर्ष पहले शायद आपने कोई पाप किया होगा. व्हेन यू आस्क फॉरगिवनेस व्हाट विल द लॉर्ड डू. जब आप क्षमा मांगेंगे प्रभु क्या करेंगे. ही विल गो बैक 20 इयर्स बैक. वो 20 वर्ष पीछे जाएंगे. यू नो यू एंड आई कैन नॉट गो टू यस्टरडे. मैं और आप तो भूतकाल में जा नहीं सकते. देयर इज समबडी हु कैन गो टू यस्टरडे. परंतु एक है जो हमारे बीते हुए कल में जा सकता है. दैट इज आवर जीसस आवर गॉड. वो हमारा यीशु हमारा परमेश्वर है. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड अल्फा एंड ओमेगा. इसलिए उन्हें अल्फा और ओमेगा करके कहा हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा. अल्फा शब्द का अर्थ क्या है. बिगिनिंग आरंभ. ही कैन गो टू द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ. वो आपके जीवन के आरंभ में भी जा सकता है. एंड as if you have never done those things. जैसे कि आपने कभी वो पाप किया ही ना हो. Say about 45 years ago I have done so much of stealing. 45 वर्ष पूर्व मैंने बहुत ज्यादा चोरियां की. And what happened to all my sins? और मेरे सारे पापों का क्या हुआ. God has gone that 45 years ago and as if I never done. The Lord washed and cleansed. परमेश्वर 45 वर्ष पूर्व मेरे भूतकाल में गया और मुझे ऐसा धोया जैसे कि मैंने कोई पाप किया ही ना हो. Our God can go to our past. हमारा परमेश्वर हमारे भूतकाल में जा सकता है. Wash our sins in such a way that it will be not only erased, it will be forgotten in the mind of God. और हमारे पापों को इस रीति से धोता है कि ना केवल वो मिटाई जाती हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें अपने मन से भी भूल जाता है. Is it true? क्या ये सच है. Today when brother Sambhav was taking bath, so many hairs might have fallen, all were counted and numbered in heaven. आज जब पास्टर संपत जब स्नान कर रहे थे तो बहुत सारे बाल नीचे गिर गए होंगे परंतु एक एक बाल गिना हुआ है. मैं उनसे पूछूं कि वो बताएंगे कि आज उनके सिर से कितने बाल गिरे. परंतु यदि मैं उनसे पूछूं कि आपने कितने सारे पाप किए. 25 years ago whatever sins he had done. Please tell me one of them. What will the Lord answer? 25 वर्ष पूर्व जो आपने पाप किए उनमें से एक पाप मुझे बताएं. प्रभु उसके बारे में क्या कहेंगे. What will the Lord answer? प्रभु क्या उत्तर देंगे. I don't remember. मुझे याद नहीं. What are you telling God? प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं. You are an all knowing God. आप तो सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं. Tell me, I know what Sambhav had done. I remember. मुझे याद है मैंने क्या पाप किए. डोंट यू रिमेम्बर प्लीज टेल एट लीस्ट वन. क्या आपको याद नहीं कम से कम एक पाप बताएं. व्हाट विल द लॉर्ड से अगेन. फिर से प्रभु क्या कहेंगे. आई डोंट रिमेम्बर अ सिंगल सिन. मुझे आपका एक भी पाप याद नहीं. इज इट ट्रू. क्या ये सच है. यस हिब्रूज चैप्टर 8 वर्स 12. इब्रानियों 8 अध्याय उसका 12 वचन.
क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities will I remember no more. Their sins I will remember no more. फिर मैं उनके पाप स्मरण ना करूंगा। God remembers everything except one thing. एक बात को छोड़कर प्रभु सब कुछ याद रखते हैं। Remembering everything for the right from eternity. पहली नित्यता से प्रभु को सब कुछ स्मरण है। Even if you have forgotten the day you are born, Jesus knows. यदि आप अपने जन्मदिन को भी भूल जाएं, परंतु यीशु याद रखते हैं। Yesterday somebody came and told me, Pastor, I used to forget the day I was born. कल आकर किसी ने मुझसे कहा, पास्टर जी, मैं अपने जन्मदिन को भूल जाता हूँ। Oh, he remembers everything except one thing. प्रभु एक बात को छोड़कर सब कुछ स्मरण रखते हैं। Once our sins are forgiven, they are no more remembered in the presence. एक बार हमारे पाप क्षमा होने से प्रभु के सम्मुख में वो कभी स्मरण नहीं किए जाते। So we don't need to condemn ourselves. इसलिए हमें अपने आप को रद्द करने की आवश्यकता नहीं। And the fourth step. और जो चौथा कदम है, Forgive God. परमेश्वर को क्षमा करें। What is meant by forgiving God? परमेश्वर को क्षमा करने का अर्थ क्या है? It doesn't mean that God has done something sin against us. इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर ने हमारे विरुद्ध में कुछ पाप किया है। We all know God never does anything. हम सब जानते हैं परमेश्वर कभी कोई पाप नहीं करते। We all know God has no sin in him as we heard yesterday. जैसा हमने कल सुना, उनमें कोई पाप नहीं। But then listen, there's one thing happened. परंतु सुने, एक बात हुई है। Sometimes we may question God, Lord, why did you take my child away? कई बार हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, प्रभु जी, आपने मेरे बच्चे को क्यों ले लिया? Why this happened to my husband to be killed in that problem? क्यों उस समस्या में मेरा पति मारा गया? Why did this happen to my marriage? मेरे विवाह में ऐसा क्यों हुआ? Why you allow this sickness in me only? क्यों आपने इस बीमारी को मेरे जीवन में ही अनुमति दी? Look at others, don't have this problem. दूसरों को देखें, उन्हें तो कोई भी समस्या नहीं। Lord, why I am always having this financial problem? परमेश्वर, क्यों मुझे ही हमेशा आर्थिक समस्या रहती है? I have been faithful to tithes and offerings. मैं अपने दशमांश और भेंट में विश्वास योग्य रहा। Lord, why do you allow this sickness to my wife or my husband? प्रभु, क्यों आपने मेरे पति मेरी पत्नी के जीवन में इस बीमारी के लिए अनुमति दी? Why you allow this problem in my job? मेरी नौकरी में क्यों आपने ये समस्या आने दी? Oh dear friend, without your knowledge, without your understanding, you are getting a grudge against your God. प्रिय मित्र, आपकी जानकारी के बिना, आपकी समझ के बिना, आपके मन में परमेश्वर के प्रति एक शिकवा रंज है। Maybe you are questioning God. शायद आप परमेश्वर से प्रश्न कर रही होंगे। Why this all this thing happened to my life? क्यों ये सारी बातें मेरे जीवन में हुई? This problem is in my family. क्यों ये समस्या मेरे परिवार में आई? Lord, what wrong have I done that you allowed all this problem? परमेश्वर, मैंने क्या गलती की कि आपने सारी समस्या को आने के लिए अनुमति दी? Must forgive God. अवश्य ही आप परमेश्वर को क्षमा करें। Be still and know that I am God. शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। There are so many things what the Almighty God does we don't understand. कितने काम हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। All things work together for good to them that love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करते हैं। Be a child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, You must forgive God. आप अवश्य ही परमेश्वर को क्षमा करें। True that you know that God never does anything wrong. ये सच है कि आप जानते हैं प्रभु कोई गलती नहीं करते। But in the heart of heart you are getting a question against God. परंतु आपके हृदय की गहराई में परमेश्वर के विरुद्ध एक प्रश्न उठ रहा है। Beloved ones, all what God does for is only for good and there is no evil in it. प्रियजन, जो भी परमेश्वर हमारे लिए करती हैं, सब कुछ भलाई के लिए है, उसमें कुछ भी बुराई नहीं। Sometime ago somebody sent me an email story. थोड़े समय पहले किसी ने ईमेल पे मुझे एक कहानी भेजी। And the title is This is Good. और उसका शीर्षक था ये अच्छा है। There was a man who always, he was a companion of the king. He always
फॉर एवरीथिंग ही विल से दिस इज गुड। राजा का एक साथी था जो हमेशा हर बात के लिए कहता था कि ये भलाई के लिए है। The companion had gone to shooting in the jungles. एक दिन राजा और उसका साथी जंगल में शिकार खेलने गए। And of course the companion was helping to load the bullets into the gun. और जो राजा का साथी है बंदूक में छर्रे डालने के लिए मदद कर रहा था। And somehow the triggering finger, while triggering, a part of the left thumb was chopped off and he was bleeding. ऐसा करने के समय अचानक से बंदूक चल गई और उसके बाएं हाथ के अंगूठे का एक भाग वो कट गया। The king's thumb, a part of thumb was. माफ कीजिए, राजा के अंगूठे का एक भाग कट गया। And he started bleeding and crying. उसमें से खून बहने लगा और वो रोने लगा। Guess what did the companion say? तब उसके साथी ने क्या कहा? This is good. ये भलाई के लिए है। The king got very angry. राजा बहुत क्रोधित हो गया। I am bleeding and I am in pain. मुझे दर्द हो रहा है और मेरा खून बह रहा है। And a piece already cut off. और अंगूठे का एक भाग कट भी गया। And the companion says this is good. और साथी कह रहा है कि ये अच्छा है। He got very angry and put him in prison. राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। When he was put in the prison, guess what did the companion say? So putting him in the prison also, he says this is good. जब उसे बंदी गृह में डाला तो सोचकर देखें कि उसने क्या कहा होगा, ये भलाई के लिए। After some time after he got, the king got healed. थोड़े समय के बाद जब राजा का अंगूठा ठीक हो गया। Even again for shooting, this time alone. वो फिर से शिकार खेलने गया परंतु इस बार अकेला गया। He had gone to the jungle beyond the limit and some cannibals came and caught him and they want to eat him. वो एक सीमा से भी अधिक जंगल में चला गया और नरभक्षियों ने आके उसे पकड़ लिया। And they all invited the people, the king, fatty man, they were going to have a good dinner. और उसने सब लोगों को बुलाया, ए राजा एक मोटा व्यक्ति है, हमें अच्छा भोजन मिलेगा। So the cannibals tied him to a tree and they were about to eat. और नरभक्षियों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसे खाने ही वाले थे। One thing the cannibals don't do, anything that is incomplete, whether animal or man, they will not eat. एक बात नरभक्षी लोग करते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, यदि वो संपूर्ण पूरा पूरा नहीं है तो उसे नहीं खाते। When they looked around before eating, they found that one part of thumb is missing. जब उसे खाने के लिए उसका पूरा निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया उसके अंगूठे का एक भाग नहीं है। So they realized they cannot eat and they were disappointed and setting free. तब वो निराश हो गए, उन्होंने पाया कि वो उसे खा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। While going, he realized what the companion told, this is good. वापस जाते समय राजा को याद आने लगा जो उसके साथी ने कहा था कि ये अच्छाई के लिए है। What he told was true. जो उसने कहा था वो सच था। If my hand had not been cut off by this time, the animals should have eaten me up. I would have been in their stomachs. यदि मेरा अंगूठा कटा ना होता तो नरभक्षी लोग मुझे खा जाते और अब तक तो मैं उनके पेट में होता। The king felt very sorry for putting his companion in the prison and he went to release him straight away. और राजा को बड़ा दुख हुआ कि उसने अपने साथी को बंदी गृह में डाला, वापस जाकर सीधे उसने अपने साथी को आजाद कर दिया। And he went and apologized to the companion. और उसने अपने साथी से क्षमा मांगी। I have done a very bad thing to you. मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। I shouldn't have put you in prison. मुझे आपको बंदी गृह में डालना नहीं चाहिए था। Then guess what did the companion say? सोच कर देखे उस साथी ने क्या कहा? This is good. ये अच्छा है। Then the king, no, this what I have done was not good. What I have put you in the prison, that was bad. तब राजा ने कहा, नहीं, ये मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने आपको बंदी गृह में डाला वो अच्छा नहीं था। Again the companion told. फिर से उसके साथी ने कहा, Okay, if you had not put me in the prison. ओ राजा, यदि आपने मुझे बंदी गृह में ना डाला होता, I would have come with you for the shooting. तब मैं भी आपके साथ शिकार खेलने जाता। The cannibals would have eaten me and set you free. नरभक्षी लोग मुझे तो खा जाते परंतु आपको छोड़ देते। This is good. ये भी अच्छा है।
child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चे. As the companion told is true in the word of God also. जो उसके साथी ने कहा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार भी सच है. This is good. ये अच्छा है. All things work together for good to them that love God. जितने प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं. Whatever happened in your life in the past, it's all for good. पिछले दिनों में जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ वो सब कुछ आपकी भलाई के लिए है. क्या आप अपने हाथों को उठा के प्रभु की तारीफ करेंगे? Now I am glad you raised the hand and shouted hallelujah. मैं खुश हूँ कि आपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोला. Next time some problem will take place. अगली बार कुछ समस्या आने से you say hallelujah and say this is for good. क्या आप कहेंगे हालेलुया ये भलाई के लिए है? I'm very happy you are raising the hand now. मैं बहुत खुश हूँ कि अभी आप हाथ उठा के हालेलुया बोल रही हैं. I'm telling when you go home. मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप घर जाएंगे. You missed something. Thief has come and taken away something out of your house. तब आप पाएंगे कि चोरों ने आके आपके घर से कुछ चुरा लिया. Or something. Maybe you left your bicycle. Somebody has stolen and you have to walk back home tonight. आपकी बाइसाइकिल किसी ने चुरा ली और अभी आपको घर वापस चलकर जाना पड़ेगा. Will you be able to thank God that time? क्या उस समय आप प्रभु का धन्यवाद कर पाएंगे? Will you say good that time? क्या उस समय आप ये कह पाएंगे ये भी अच्छा है? God's word says all things work together for good to them that love. प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं. So forgive God. इसलिए परमेश्वर को क्षमा करें. God might have taken your wife to heaven. शायद परमेश्वर आपकी पत्नी को स्वर्ग ले गया होगा. Maybe your child has gone to heaven. शायद आपका बच्चा स्वर्ग में चला गया होगा. Some accidents or problem happen. या कुछ समस्या दुर्घटना हो गई होगी. Come today, learn to thank God. आज से प्रभु को धन्यवाद करना सीखें. Don't wait to go to heaven to thank God. स्वर्ग जाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे उसके लिए प्रतीक्षा ना करें. And God, you are God. हे प्रभु आप परमेश्वर हैं. You are the Almighty God. आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं. Although I don't understand in my brain why that happened. चाहे मैं और मेरा दिमाग समझ नहीं पाता कि ये क्यों हुआ. God, I thank you. परंतु प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. Then you know what God will do. तब आप जानते हैं प्रभु क्या करेंगे? Give you double portion of blessing. प्रभु आपको दुगनी आशीष देंगे. All the 10 children of Job was killed one day. अय्यूब के सारे 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए. What did he do? उसने क्या किया? God gave, God took. Thanks be unto God's name. प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो. Worship God. प्रभु की आराधना करी. God was happy in heaven. परमेश्वर स्वर्ग में खुश हो गए. Everything God gave double. सब कुछ परमेश्वर ने दुगना दिया. End became far better than the beginning. उसका अंत उसके आरंभ से बहुत ही बेहतर रहा. Precious child of God. परमेश्वर के बहुमूल्य बच्चे. What happened in your life? जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ. Don't murmur against God. उसके लिए परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाए ना. Don't question God. परमेश्वर से प्रश्न ना करें. Remember, this is good. याद रखें ये अच्छा है. Today you may not see as good, but when you go to heaven, you definitely you will see. आज आपको अच्छा होके दिखाई नहीं देगा, परंतु जब आप स्वर्ग जाएंगे, तब आपको निश्चय अच्छा होके दिखाई देगा. Let me come to the last point, fifth point, forgiving others. हम अंतिम विषय पे आएंगे, दूसरों को क्षमा करना. Have you really forgiven others? क्या वास्तव में आपने दूसरों को क्षमा किया है? Jesus told us, I have forgiven you, forgive others. यीशु ने कहा जैसे मैंने आपको क्षमा किया आप भी दूसरों को क्षमा करें. Have you really forgiven like that? क्या सच में आपने इस रीति से किया है? You cannot simply say, I forgive you. आप साधारण रीति से ये नहीं कह सकते कि मैं आपको क्षमा करता हूँ. I don't want to talk to you. I have forgiven you. मैंने आपको क्षमा कर दिया परंतु मैं आपसे बात करना नहीं चाहता. Hereafter, I don't want to come to your house, but I have forgiven you. अब से आगे मैं आपके घर आना नहीं चाहता परंतु मैंने आपको क्षमा कर दिया. Don't come to my house also, but I have forgiven you. मेरे घर नहीं आना परंतु मैंने आपको क्षमा कर दिया. I have nothing against you, but don't talk to me again.
मुझे आपके विरुद्ध में कुछ भी नहीं है, परंतु फिर से मुझसे बात नहीं करनी। No, that is not Christ-like forgiveness. नहीं, ये मसीह समान क्षमा नहीं है। Suppose Jesus says, you miserable son, but I have forgiven you, but I don't want to talk to you again, and don't talk to me again. Will you be happy with that forgiveness? मान लीजिए यीशु आपसे कहते हैं, हे अभागे मनुष्य, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, परंतु फिर से मुझसे बात नहीं करनी, क्या आप इस बात से खुश होंगे? Will you be happy with Jesus forgiving like that? यीशु आपको इस प्रकार क्षमा करने से क्या आप खुश होंगे? Will you be happy, Jesus says, I have forgiven you. यीशु आपको कहने से कि मैंने आपको क्षमा किया, क्या इस बात से आप खुश होंगे? I don't want to talk to you again. फिर से मुझसे बात नहीं करनी। I don't want to talk to you. मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। Will you be happy with that forgiveness? क्या आप इस प्रकार की क्षमा से खुश होंगे? Some Pentecostal people forgive like that. कई पेंटिकॉस्टल लोग इस प्रकार से क्षमा करते हैं। I hope you don't have in Madurai such people. मैं सोचता हूँ मदुरई में ऐसे लोग नहीं होंगे। And you say, if Jesus says, I have forgiven you, but I will never come to your house, and you don't come to my house in heaven. यीशु आपसे कहने से मैंने आपको क्षमा कर दिया, परंतु मैं आपके घर में नहीं आऊंगा, आप भी मेरे घर में स्वर्ग में नहीं आना। Will you be happy with that forgiveness? क्या आप इस क्षमा से प्रसन्न होंगे? Pentecostal people do that. पेंटिकॉस्टल लोग ऐसा करती हैं। They don't go to a particular house. कुछ विशेष घर में नहीं जाते। If you don't go to that you should know that house is the house of Jesus. यदि आप उस घर में नहीं जाते तो ये आप जान लें कि वो घर ही यीशु का घर है। If you don't go there, you cannot go to the house of Jesus there. यदि आप वहाँ नहीं जाते तो आप यीशु के घर में भी नहीं जा पाएंगे। If you cannot speak to that person is in the place of Jesus. यदि आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर पाते, वो व्यक्ति तो यीशु के स्थान में है। So you cannot speak to Jesus. इसका अर्थ है आप यीशु से बात नहीं कर पा रहे। Jesus cannot speak to you. और यीशु भी आपसे बोल नहीं पा रहे। Beloved ones. प्रिय जनों। Can we really learn to forgive? जब हम वास्तव में क्षमा करना सीख लेते हैं। Do you believe or not? चाहे आप विश्वास करें या ना करें। When you pray. जब आप प्रार्थना करेंगे। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? If you are really forgiven others. यदि आपने सच में दूसरों को क्षमा किया है तो। When you pray. जब आप प्रार्थना करेंगे। Then you speak to Jesus. Jesus will speak to you. तब आप यीशु से बातें करेंगे और यीशु आपसे बात करेंगे। Prayer will become very sweet. सब कुछ बहुत मधुर हो जाएगा। Some people's prayer life is like one-way telephone call. कई लोगों का प्रार्थना जीवन एक तरफ के टेलीफोन कॉल के समान है। On the other side, you don't hear anything. दूसरी तरफ से आप कुछ भी सुन नहीं पाते। This side, you keep on speaking. इस तरफ से तो आप बोलते ही जाते हैं। Amen. Put the phone down. और आमीन कहके फोन नीचे रख देते हैं। You hear anything from the other side? क्या आपने दूसरी तरफ से कुछ भी सुना? You didn't hear and you don't expect to hear also. आपने नहीं सुना और सुनने की अपेक्षा भी नहीं करते। But today I challenge you. परंतु आज मैं आपको चुनौती देता हूँ। Forgive as Christ forgave you. जैसे मसीह ने क्षमा किया, आप ही क्षमा करें। Then your prayer life will become very sweet. तब आपका प्रार्थना जीवन बहुत ही मिठास से भर जाएगा। As you kneel down to pray. जब आप प्रार्थना के लिए घुटने टेकेंगे। Oh, he will sweetly start speaking to you. वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगेगा। And he is speaking you more than you speak to him. आप उनसे बात करने से अधिक वो आपसे बात करेगा। Christian life is a sweet life. मसीही जीवन एक मधुर जीवन है। You must love your enemy as Christ loved. जैसे मसीह ने प्रेम किया, आप भी अपने शत्रुओं से वैसे ही प्रेम करना चाहिए। To keep any hatred in your heart. क्या आपने अपने हृदय में कुछ नफरत रखी है? Any resentment against your worst enemy. अपने सबसे बुरे शत्रु के विरोध में कुछ गुस्सा रखा है? Then you don't enjoy Christian life. तो आप मसीह जीवन में खुशी नहीं मना पा रहे। How do you know that you have an unforgiving spirit? आप कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर क्षमा ना करने वाली आत्मा है? When you see that person, you feel not very happy to look at the face. जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं, उसको चेहरे को देखकर आप खुश नहीं होते। When you look at your friend, you go and shake hand and kiss and greet. But when you see a particular person, you try, you like to avoid.
जब अपने मित्र को देखते हैं, उसे चुंबन देते हैं, हैंडशेक करते हैं, परंतु एक विशेष व्यक्ति को देखकर आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। That shows you have an unforgiving spirit. ये दिखाता है कि आपके अंदर क्षमा ना करने की आत्मा है। How do you know you have an unforgiving spirit? आप कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर क्षमा ना करने वाली आत्मा है? You get a chance, you want to speak about wrong about that person. जब कभी आपको उस व्यक्ति के बारे में बुराई करने के लिए मौका मिलता है। You know, I know but some but he's such a terrible boy. आप जानते हैं, मैं भाई को जानता हूँ, बहुत ही भयानक व्यक्ति है। He spat on my face. पिछले दिन उन्होंने मेरे चेहरे पे थूक दिया। I have forgiven him, but I'm telling you this. तो मैंने तो उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु आपको बता रहा हूँ। Why do you tell him? क्या आप इस प्रकार से उनसे कहेंगे? Because you are not forgiven. क्योंकि आपने उसे क्षमा नहीं किया। Then forgiveness is heaven. क्षमा तो स्वर्ग है। Then you know when the forgiveness of God comes into our life. जब परमेश्वर की क्षमा हमारे हृदय में आती है। You are free. आप बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। आप मृत्यु के भय से आजाद हो जाते हैं। डेथ विल बी अफ्रेड ऑफ यू एंड यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। मृत्यु आपसे डरेगी, आप मृत्यु से नहीं डरेंगे। सिकनेस विल बी अफ्रेड ऑफ यू, यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ सिकनेस। बीमारी आपसे डरेगी, आप बीमारी से नहीं डरेंगे। देयर इज सच अ ट्रेमेंडस पावर इन द फॉरगिवनेस। क्षमा में इतनी भयानक सामर्थ्य है। यू मस्ट लव योर एनिमीज। आप अपने शत्रु से प्रेम करना सीखें। हाउ ऑफन डू यू प्रे फॉर योर एनिमीज। आप कितनी बार आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करती हैं? बाइबल डस नॉट से प्रे फॉर योर फ्रेंड्स। यीशु ने ये नहीं कहा अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो। इवन इफ वी डू, इट इज नॉट रिटन इन द बाइबल, वी विल प्रे फॉर आवर फ्रेंड्स। चाहे ये बाइबल में नहीं लिखा, फिर भी हम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करती हैं। द बाइबल सेज प्रे फॉर योर एनिमी। बाइबल कहती है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। Love your enemy. अपने शत्रुओं से प्रेम करो। Do good to them that hate you. जो आपसे नफरत करते हैं उनसे भलाई करो। Do you have that forgiving spirit? क्या आपके अंदर वो क्षमा करने की आत्मा है? If you are getting angry with somebody, that shows you have an unforgiving spirit. यदि आप किसी को देखकर क्रोधित होते हैं, दिखाते हैं आपके अंदर क्षमा ना करने की आत्मा है। He's not a wishy-washy forgiveness to say, bro, I forgive you, but I have nothing to do with you. आपकी इच्छा के अनुसार आप ये नहीं कह सकते मैं आपको क्षमा करता हूँ, परंतु आपके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। Once you forgive someone, you must be able to love that person with the love of Christ. एक बार आप एक व्यक्ति को क्षमा करने से फिर मसीह समान आप उससे प्रेम करना चाहिए। No, I have no time to mention all those things, but very few things I will mention and close. और सारी बातें कहने के लिए समय नहीं, थोड़ी बातें कह के मैं खत्म करूंगा। One thing about the fear of death. आपके अंदर क्यों आप मृत्यु से डरते हैं? Right from my childhood, I had a terrible fear of death. बचपन में मुझे मृत्यु का भयंकर डर था। I cannot see dead body. मैं सख्त शरीर को देख नहीं पाता था। I cannot look at the cemetery. मैं कब्रिस्तान में भी जा नहीं पाता था। There is in our village there is a place where they make coffin. I was afraid of the coffins. हमारे गांव में एक स्थान था जहाँ कफन बनाते थे, मैं वहाँ नहीं जाता था। In our village there is a cemetery. Very very seldom I had to pass through that street. और हमारे गांव में कब्रिस्तान था, बहुत ही कम बार मैं वहाँ से निकलता था। In case I had to pass through that street nearby the cemetery, far away I close my eyes and run. Till I am sure that the cemetery is over. यदि मुझे कब्रिस्तान के पास से निकलना पड़ता था तो मैं अपनी आंखें बंद करके वहाँ से दौड़ के निकल जाता था। And in our village church, when somebody will die in the parish, a black flag will be hoisted. हमारे गांव में चर्च में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो ऊपर काला झंडा फहराते थे। So once the black flag comes, we know somebody died. एक बार वो काला झंडा ऊपर आने से हम जान लेते थे किसी की मृत्यु होगी। आई वॉज टेरिबली अफ्रेड ऑफ दैट फ्लैग। मैं उस काले झंडे से बहुत डरता था। वी वर नॉट दैट द कलर ऑफ द फ्लैग व्हाट वाज रिटन देयर। झंडे के रंग से नहीं, पर जो उस पर लिखा था उससे। यू नो व्हाट वाज रिटन देयर। क्या आप जानते हैं उसमें क्या लिखा था? टुडे इज माई टर्न एंड टुमारो योर्स। आज मेरी बारी हुई, कल आपकी होगी। That really frightened me. उससे मैं बहुत ज्यादा डरता था। Tomorrow, mine. कल मेरी बारी आएगी।
But I thank God since Jesus came into my heart. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जब से यीशु मेरे हृदय में आए. Now when I look to death, it is such a sweet experience to be in the bosom of Jesus. अभी मैं मृत्यु को देखने से वो कितना मधुर अनुभव है कि यीशु की गोदी में हम चले जाएं. Christian life is joy unspeakable and full of glory. मसीह जीवन में वंदनीय आनंद है और महिमा से भरा है. Have you really forgiven your enemies? क्या आपने वास्तव में अपने शत्रुओं को क्षमा किया है? Then I ask you. आज मैं आपसे पूछता हूँ. What good have you done for your enemies? आपने अपने शत्रुओं के साथ क्या भलाई की? If you really love your enemies, you will do good to them. यदि सच में आप अपने शत्रुओं से प्रेम करती हैं तो उनसे भलाई करेंगे. Your heart will be full of love for them. आपका हृदय उनके लिए प्रेम से भरा रहेगा. You will never speak evil of them. कभी भी आप उनकी बुराई नहीं करेंगे. You will never think evil of them. कभी भी उनके बारे में बुरा सोचेंगे नहीं. You will pray to bless them. आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने आशीष दे. Whatever may be the problem. कुछ भी समस्या होने से. You must bless them. आप उन्हें आशीष देना. I heard about a lady whose husband was a womanizer. मैंने एक स्त्री के बारे में सुना है जिसका पति दूसरी औरतों के पीछे जाता था. She was a Christian. वो एक मसीह थी. She could not bear seeing the husband walking with another woman. वो दूसरी अपने पति को दूसरी स्त्रियों के साथ चलते हुए देख नहीं पाती थी. She was so angry with that man. वो उस व्यक्ति के साथ बहुत ही गुस्सा थी. Bitter against him. उसके विरोध में उसे बहुत कड़वाहट थी. Frustrated against him. उसके उससे नफरत करती थी. Suddenly she couldn't take it anymore. फिर वो उसे आगे बर्दाश्त नहीं कर पाई. She felt she was going to become a mental wreck. उसने सोचा कि वो तो बिल्कुल पागल हो जाएगी. She hardly could sleep. वो मुश्किल से सो पाती थी. She hardly could eat all the time. The thought comes what the husband was doing. और वो खा भी नहीं पाती थी. वो हमेशा सोचती रहती थी कि पति क्या कर रहा है. One day the pastor told her. एक दिन एक पास्टर ने उसे बताया. Sister, when you get up, the first thing do, pray, bless my husband. जब आप सुबह उठती हैं सबसे पहले उठ के प्रार्थना करें मेरे पति को आशीष दें. First it appeared very difficult for her. आरंभ में तो उसके लिए बहुत मुश्किल लगा. But she obeyed the pastor. परंतु उसने पास्टर की आज्ञा मानी. When she get up from bed, she, in the morning she will pray, bless my husband. जैसे ही सुबह उठती थी वो कहती थी प्रभु जी मेरे पति को आशीष करें. And what happened, you know? आप जानते हैं कि क्या हुआ? God started first changing her character. पहले परमेश्वर ने उसके स्वभाव को बदलना आरंभ किया. Her anger, frustration, irritation, all gone from her. उसका क्रोध उसकी चिड़चिड़ाहट सब उससे दूर हो गया. She was able to forgive him. वो उसको क्षमा कर पाई. Able to love him. और वो अपने पति से प्रेम कर पाई. Then God changed him finally. और अंत में परमेश्वर ने उसके पति को भी बदल दिया. ओ प्रेशियस चाइल्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के बहुमूल्य बच्चे. डू यू हैव अ स्वीट क्रिश्चियन लाइफ. क्या आपका मसीह जीवन मधुर है? डू यू रियली एंजॉय प्रेइंग. क्या प्रार्थना करने में वास्तव में खुश होते हैं? टुडे डिड यू हियर जीसस स्पीकिंग टू यू व्हाइल प्रेइंग. क्या आज प्रार्थना में आपने यीशु की आवाज को सुना? और यू आर जस्ट From the beginning to the end, you prayed and said Amen and came. क्या आरंभ से अंत तक प्रार्थना करके आमीन कह के आ गए? Tonight I challenge you. आज रात मैं आपको चुनौती देता हूँ. You forgive others as Christ forgave you. जैसे मसीह ने क्षमा किया आप भी दूसरों को क्षमा करें. Decide to love your enemy. अपने शत्रुओं से प्रेम करने का फैसला करें. Decide to speak good things about the people who hate you. जो आपसे नफरत करते हैं उनके बारे में भलाई कहना सीखें. You will come to a different world. आप बिल्कुल एक अलग संसार में आ जाएंगे. Heaven is connected with forgiveness. और जो स्वर्ग है क्षमा से संबंधित है. Only the forgiven people can go to heaven. जो लोग क्षमा करते हैं वही स्वर्ग जा सकती हैं. And the holy angels cannot understand what is forgiveness. जो पवित्र स्वर्गदूत भी समझ नहीं पाते कि क्षमा क्या है. Let me close by mentioning again those. जल्दी से वो पांच विषयों को कह के मैं खत्म करूंगा. फर्स्ट रिसीव फॉरगिवनेस फॉर ऑल आवर सिन फ्रॉम गॉड. सबसे पहले परमेश्वर से अपने सारे पापों के लिए क्षमा प्राप्त करें.
Those things you committed, ask the Lord forgiveness is ready. जो भी आपने पाप किए प्रभु से क्षमा मांगे वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है. Then if you hurt somebody, go and even if it is a small child, go and apologize. फिर यदि आपने किसी को दुख दिलाया है चाहे छोटा बच्चा हो आप जाके क्षमा मांगे. Then you forgive yourself. तीसरा आप अपने आप को क्षमा करें. Whatever God has forgiven you, forgive yourself. जो कुछ प्रभु ने आपको क्षमा किया आप भी अपने आप को क्षमा करें. Our God can go to our past. हमारा परमेश्वर हमारे भूतकाल में जा सकता है. And wash them all away. और हमारे सारे पापों को धो सकता है. Fourth, forgive God. चौथा है परमेश्वर को क्षमा करें. Anything happened in your life. जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ. Say, this is good. आप कहें ये अच्छा है. Joseph told, you thought evil against me. God meant it unto good. यूसुफ ने कहा तुमने तो मेरे प्रति भलाई की परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई होकर बदल दिया. Whatever happened in your life. जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ. Say, this is good. आप कहें ये मेरी भलाई के लिए है. My good God has done only for my good. मेरे भले परमेश्वर ने मेरी भलाई के लिए किया है. And the fifth point. और पांचवा विषय. Have you really forgiven others? क्या आपने सच में दूसरों को क्षमा किया है? If you are not really forgiven. यदि सच में आपने क्षमा नहीं किया तो. You don't like to talk to that person. फिर आप उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे. Try to avoid. आप उससे दूर रहेंगे. Brother Sambat, you go and talk. I don't want to talk. भाई आप जाके बात करें मैं उनसे बात नहीं करूंगा. Behalf you talk to him. आप ही मेरे बदले में बात करें मैं उनसे बात करना नहीं चाहता. I don't want to talk. मैं बात करना नहीं चाहता. Why? क्यों? There is a grudge inside. आपके मन में कुछ दुख है. If you hate someone. यदि आप किसी से नफरत करती हैं. Three terrible things can happen to you. आपके साथ तीन बहुत ही भयंकर बातें हो सकती हैं. Are you really listening? क्या आप सच में सुन रहे हैं? This is for sinners and saints. ये संतों के लिए भी और पापियों के लिए है. This is for workers and believers. ये विश्वासियों और सेवकों के लिए है. For everyone. सब किसी के लिए है. These things will happen if you keep resentment in your heart. यदि आप अपने मन में गुस्सा रखेंगे तीन बातें होंगी. One, Satan will stand at your right hand. पहला है शत्रु और शैतान आपके दाहिने बाएं खड़ा रहेगा. Is that true? क्या सच है? In a minute I will come to the verse. एक मिनट में वो वचन बताऊंगा. Second, your prayer will become sin. दूसरा आपकी प्रार्थना पाप बन जाएगी. Third, your ministry will be removed. तीसरा आपकी सेवा आपसे हट जाएगी. You may do some ministry Sunday school or youth or whatever, but there will be no anointing. आप कुछ सेवा कर पाएंगे संडे स्कूल या यूथ मिनिस्ट्री परंतु अभिषेक नहीं होगा. साम 109 भजन 109 वर्स 3, 6, 7 and 8 ऑल दीज ट्रूथ्स आर मेंशन. भजन 109 3, 6, 7, 8 तो इट इज स्पोकन अबाउट जूडास इस्करियोट द ट्रूथ इज एप्लीकेबल टू ऑल. चाहे यहूदा स्मृति के बारे में लिखा है परंतु ये सच्चाई सबके ऊपर लागू होती है. Please listen. सब ध्यान से सुने. भजन 109 3, 6, 7, 8 और उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ती हैं. तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसके दाहिनी ओर खड़ा रहे. जब उसका न्याय किया जाए तब वो दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप की नहीं जाए. उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले ले. Although there are so many things mentioned, three things I want to point out. चाहे बहुत सारी बातें लिखी हैं, तीन विषय मैं बताना चाहता हूँ. You keep hatred in your heart. यदि आप अपने हृदय में नफरत रखेंगे. You may go and pray 24 hours. चाहे आप 24 घंटे जाके प्रार्थना करें. No, your prayer will become sin. नहीं, आपकी प्रार्थना पाप हो जाएगी. God is not going to accept your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे. If you keep hatred in your heart, यदि आप अपने हृदय में नफरत रखेंगे. Jesus will not stand at your right hand, but Satan will stand at your right hand. यीशु नहीं परंतु शैतान ही आपके दाहिने हाथ खड़ा रहेगा. Today Satan may be standing at your right hand. शायद आज शैतान आपके दाहिने हाथ खड़ा होगा. You have such a confusion. आप बहुत असमंजस में होंगे. You may be terribly sick. आप बहुत भयंकर रूप से बीमार होंगे. By the way, I don't say all those who have got sickness, they have got hatred. I don't say that. ये नहीं मैं कहता कि जितने बीमार है सबके अंदर नफरत है.
devil may be tormenting you. शैतान आपको पीड़ित करता होगा. Satan will stand at your right hand. शैतान आपके दाहिने हाथ खड़ा रहेगा. Your mind will be tormented. आपके मन बहुत व्याकुल होगा. Fear and worry and fear about the future. भय, चिंता, भविष्य के बारे में डर. And your not only your prayer will become sin and Satan will stand at your right hand. ना केवल आपकी प्रार्थना पाप हो जाएगी और शैतान आपके दाहिने हाथ खड़ा रहेगा. Your ministry, your office will be taken from you and given to someone else. आपकी सेवकाई भी आपसे ले ली जाएगी और दूसरों को दे दी जाएगी. Today be a child of God. आज परमेश्वर के प्यारे बच्चे. Your life is heavenly Canaan flowing with milk and honey. क्या आपका जीवन स्वर्गीय कनान के समान है जो जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं? It is not money or materials or mansion that will make you happy. It is God who created you that can make you happy. आपका घन घर धन संपत्ति आपको कुछ नहीं करेंगे, परंतु आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही आपको प्रसन्न कर सकता है. God is here tonight. क्या आज रात परमेश्वर आप में है? You must forgive your enemies. क्या आपने अपने शत्रुओं को क्षमा किया? You must love them with the love of Jesus. क्या आप इनको आप यीशु के प्रेम से प्रेम करती हैं? Heart should be filled with compassion for them. उनके प्रति आपका हृदय दया से भरा रहना चाहिए. In America there is a Christian. अमेरिका में एक मसीही है. In Washington DC, that is the capital. वॉशिंगटन डीसी में जो वहाँ की राजधानी है. His son was killed by another young man. उसके बेटे को एक दूसरे जवान व्यक्ति ने मार डाला. Man had to go to prison. उस जवान व्यक्ति को बंदी गृह में जाना पड़ा. Father who lost the son went and visited that boy. और पिता जिसका बेटा मर गया था बंदी गृह में जाके उसके हथियारे से मिला. And through that love and forgiveness of that father, that murderer boy got saved. और उस पिता के प्रेम और दया के द्वारा वो हत्यारा बेटा बच गया. After a number of years when the boy was released from the prison, this Christian accepted him, adopted him as his son. और बहुत वर्षों बाद जब वो लड़का बंदी गृह से छोड़ा गया तब इस पिता ने उस लड़के को वो अपना बेटा बना लिया. And sent him to for higher education. और उसे और भी ऊंची पढ़ाई कराई. That is the Christian forgiving love. वो ही मसीह का क्षमा करने वाला प्रेम है. I am not telling you all the murderers you accept in your house as your son. I am not telling that. मैं आपसे ये नहीं कह रहा सारे हथियारों को अपने घरों में आप स्वीकार करें. Your heart should be full of love and compassion. आपका हृदय दया और प्रेम से भरा रहना चाहिए. Christian life will be joy unspeakable and full of glory. आपका मसीह जीवन अवर्णनीय आनंद और महिमा से भर जाएगा. Forgiveness and healing go together. क्षमा और चंगाई एक साथ चलती हैं. Tonight you will be healed. आज रात आप चंगाई पाएंगे. And to forgive us, Christ forgive. जैसे मसीह ने क्षमा किया आप भी क्षमा करना सीखें. Finally. और अंत में. When Jesus comes. जब यीशु आएंगे. You will have no doubt at all about your going at the rapture. और प्रभु के आगमन में उठाई जाने के लिए आपको कोई भी शक नहीं होगा. His love will take you up, you will know. उसका प्रेम आपको ऊपर उठा लेगा. Your ability will not take you at the rapture. आपकी योग्यता आपको आगमन में उठाएगी नहीं. It is the grace of God. ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है. Shall we all stand up? हम सब खड़े हो जाएं. Ask the fingers to start singing as the Holy Spirit guides. जैसा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है आप गीत गा सकते हैं. All shall we all stand up. हम सब खड़े हो जाएं. Please come forward as far as possible. जहाँ तक संभव हो सब आगे आएं. Come forward. सब आगे आएं. And please experience this forgiveness. इस कृपा करके इस क्षमा को अनुभव करें. What is beautiful experience for you? ये सारे सुंदर अनुभव आपके लिए हैं. You, whoever you may be. आप कहीं भी होने से. Belonging to any religion, it doesn't matter. आप किसी भी धर्म के हो ये बात मायने नहीं रखती. You may not be going to a Christian church, it doesn't matter. आप एक मसीह गिरजाघर में नहीं जाते होंगे कोई बात नहीं. Christ can give you all this experience. मसीह आपको ये सारे अनुभव दे सकता है. Forgive your sin. अपने पापों को क्षमा करें. He can heal you. वो आपको चंगा करेगा. And bless your home. अब वो आपको आशीष देगा. You are ready for his coming. और आपको अपने आगमन के लिए तैयार करेगा.
आज रात आपका जीवन बदल जाएगा। Up to this day, perhaps Satan had been standing at your right hand, but tonight Jesus will stand at your right hand. अभी तक शैतान आपके दाहिने हाथ खड़ा होगा, परंतु आज रात से यीशु आपके दाहिने हाथ खड़े होंगे। Up to this time your prayer had become sin, but from today your prayer will become sweet incense in the presence of God. आज तक आपकी प्रार्थना पाप होगी, परंतु अब से आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में एक सुखदायक सुगंध होकर बदल जाएगी। When you pray one word, Jesus will speak two words to you. जब आप एक शब्द में प्रार्थना करेंगे, यीशु आपसे दो शब्द कहेंगे। You will hear God speaking to you today. आज रात आप प्रभु आपसे बात करते हुए सुनेंगे। He wants to speak to you now. अभी भी प्रभु आपसे बात करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. He is at your right hand. वो आपके दाहिने हाथ खड़ा है। Amen. He is at your right hand. वो आपके दाहिने हाथ खड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Open your mouth and say. अपना मुंह खोल के कहें। I forgive everyone. मैं सब किसी को क्षमा करूंगा। I forgive everyone. मैं सब किसी को क्षमा करता हूँ। I forgive everyone. मैं सब किसी को क्षमा करता हूँ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 I tell you, your life will become heaven right away. मैं आपको बताता हूँ, अभी आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। Jesus will be always standing at your right hand. यीशु हमेशा आपके दाहिने हाथ खड़े रहेंगे। He will be walking with you. वो आपके साथ बातें करेंगे। He will be talking with you. वो आपसे बातें करते रहेंगे। आमेन 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 आमेन। हालेलुया 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 जीसस उपविदेन सुवे तपादन कैते लेतो
holy name is the way. The Father they tell it to us. Amen. What will men see me away? Marvin is dialogue. What will men see away? Marvin is dialogue. The Father they tell it to us. What will be men is the way? मैंने आपसे जीवन की बातें कही हैं। I have spoken to you the words of eternal life. मैंने आपसे नित्य जीवन की बातें कही हैं। It will give you life. ये आपको जीवन देंगी। It will give you life. ये आपको जीवन देंगी। It will give you life. ये आपको जीवन देंगी। It will give you strength. ये आपको बल देंगी। Say the Lord. परमेश्वर ऐसा कहते हैं। Hallelujah. All those who are surrendering their life to Christ, I ask you to do one thing. जितने लोग मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं, मैं आपसे एक काम करने के लिए कहता हूँ. Not only all those who are in this bundle. ना केवल जितने लोग इस पंडल के नीचे हैं. All those who are outside the pundle. जो लोग पंडाल के बाहर भी हैं. All those who are on the road, those who are hearing. जितने लोग सड़क पे खड़े होकर सुन रहे हैं. You are surrendering your life to Christ. यदि आप अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप रहे हैं. Right now, raise your hands out, hallelujah. अभी अपना हाथ उठा के हालेलुया बोले. हालेलुया. 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 प्रार्थना करेंगे. Oh God, we thank you for coming into our midst with the glory and power. Thank you for your glorious presence in our midst, Lord. Thank you for bringing the dear ones from various places, Lord, we pray. Thank you for the spoken word. I have spoken about the forgiveness. Give us grace to receive forgiveness from God and to forgive one another, Lord, we pray. Help me, thou art a God who is delivering thy people. Deliver them from sin and sickness right now. Oh God, thank you for the wonderful work thou art doing in our midst. Thank you for reviving thy people, O God. Loving God, thank you for encouraging thy people. Once again we commit thy dear ones in thy mighty hand. Glorify thy name. Prepare everyone for thy soon coming. In Jesus' name we ask thee, Lord. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of God, the sweet of the Holy Ghost, rest and abide with us all until Jesus reveals in glory. In glory.